Hello student, these questions are most important at the examination view and the board exam, so that the one and only one out of n plus 1 n plus 2 is divisible by 3, where n is any positive integer. उसी रूल को फॉलो करना है प्रीवियस रूल का. तो लेट n इज कॉल्ड n डिवाइडेड बाय 3, कोशियंट इज q एंड रिमाइंडर इज r. तो बाई इक्वल डिविजन से क्या होगा, n इक्वल टू 3q + r. तो 3 से डिवाइड कर रहे हो तो पॉसिबल रिमाइंडर 3 से क्या होगा, छोटा होगा 0 के बराबर या बड़ा होगा. पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2 हो गया. अब इसको 1/1 उसी तरफ पुट करेंगे. n इक्वल 3q + r, r इक्वल 0 पुट किया 3q आ गया. r इक्वल टू 1, 1 पुट किया तो 3q + 1 हो गया. r इक्वल टू 2 इसमें पुट किया तो 3q + 2 हो गया. तो केस फर्स्ट में आपको क्या आ रहा होगा, 3q. तो 3q दैट मीन 3 इज डिविजिबल ऑफ क्यू, क्योंकि मल्टीपल में है. और केस टू में आ गया आप 3q + 1 है. तो 3q + 1 तो यहाँ पर देखो, यहाँ यही ट्रिक है कि 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, जो डिविजिबल नहीं होगा. तो n+2 लेंगे तो 2 1 3 होगा, यानी n+2 लेना तेरे लिए शेष कर होगा. इसीलिए बाबू तो यहाँ पर n इक्वल टू 3q + 1 जो होगा तो देन n इक्वल टू 2, तक 2 1 3 हो जाएगा. ये डिविजिबल n, तो अब n का वैल्यू यहाँ पर 3q + 1 पुट कर दो तो 3q + 1 प्लस 2 हो गया, तो 2 1 3 हो गया. 3 को कॉमन डिविजिबल कर गया. फिर आपको नेक्स्ट है 3q + 2, तो 3q + 2 हो तो n 1+1 बच गया, तो 2 1 3 हो जा रहा. फिर n का वैल्यू पुट करो, 3 आ गया, 3 कॉमन ले लिया, 3q1+ हो गया, ये 3 को डिविजिबल कर रहा. तो इस तरह का क्या प्रूफ हो गया बुआ कि यह n+1 एंड n+2 आर डिविजिबल बाई 3 प्रूव हो गया. आप टाइप नंबर 3 में जो कहता है बाबू, सो दैट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6 के पावर n कैन नॉट बी नेवर इन विथ 0. 3.0 तभी होगा जब उसका फैक्टर 2 × 5 में होना चाहिए. तो आप दी गई संख्या का प्राइम फैक्टर क्या लेंगे, इसका 2 × 3 हो रहा है, 2 तो अवेलेबल है लेकिन 5 अवेलेबल नहीं है, जिसका कभी 0 पर इंड नहीं करेगा. तो सो दिस इज नॉट इंड ऑफ 0.